है एज के वाइटल यूज किया है, मुझे बेनिफिट मिला है, तो एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं। 5 तरीके का रेंज लेना है, हेल्दी डाइट अच्छी रखनी होगी अंदर का, और हैबिट भी नहीं बनाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट शेयर करने जाऊँगी, जिसकी मदद से मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और बहुत ही कुछ दिन से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, शरीर में, फेस पे। अभी देख सकते हो मेरा फेस कितना ग्लोई लग रहा है और हेल्दी लग रहा है, कोई भी पिंपल वगैरह कुछ भी नहीं है, और शरीर भी बहुत ही अभी ठीक ठाक है। कुछ दिन पहले मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब शरीर में प्रॉब्लम था मेरा, तो वो उससे बेनिफिट मुझे कैसे मिला, तो वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ना लेट के वीडियो स्टार्ट करती हूं। जो मेरे पास है वो एनर्जी के लिए है, और स्लिप के लिए है, और बोन्स के लिए है, ठीक है ना। तो मेरे पास 3 है, तो और ये है एच के वाइटल्स का डिजॉल्व विटामिन B12 स्ट्रिप्स है ये, तो ये अलग अलग तरीके का है, ठीक है। फ्लेवर भी अलग है और इसका काम भी अलग है तीनों का, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी। मैंने जो यूज़ किया है मुझे बेनिफिट मिला है, तो आप लोग को मिले इसलिए मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना चाहिए। हम लोग दिन भर काम करते हैं और भागदौड़ करते हैं, गर्मी में भी हम लोग एनर्जी लो फील करते हैं, तो इसकी वजह से तो ये अगर ट्राई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है। ये है मेड ऑफ रियल एंड इफेक्टिव इन्ग्रीडियंट्स, पावर्ड बाई एडवांस माइक्रो टेक्नोलॉजी, नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव्स है, और ये 30 ऑयल थिन स्ट्रिप्स है, एकदम पतला लेयर का है ये, जब मुंह में डालोगे तभी एकदम मिल जाएगा, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर का है, और इसका MRP है 599 रुपीज़, और ये 24 तक यूज़ कर सकती हूँ मैं, ठीक है। और ये है विटामिन B12, विटामिन B12 हम लोग के एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस पे है, देख सकते हो यहाँ पे है, ये है, ये विटामिन B12 जो है ये आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, ठीक है। और इस पे एक फोलेट इंग्रेडिएंट है, जिससे आपको टायर्डनेस एंड फैटिग रिड्यूस करता है। आपको जब टायर्ड फील होगा तो आप ये अगर लेते हो तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है ना। कुरक्यूमा लौंगा जो कि एक इंग्रेडिएंट है, ये सपोर्ट करता है हेल्दी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को। और उस पर और एक है, 4 इंग्रेडिएंट है इस पर, एक है बेकुपा मोनीडी, ठीक है, एक है फ्लावर की तरह है, देख सकते हो, आपके ब्रेन फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है। तो गाइस आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, मैं भी खोल के भी दिखाऊंगी और कैसे लेना है वो भी बताऊंगी। पर 5 तरीके का रेंज है इस पर, एक है मेलाटोनिन, एक है बायोटिन, एक है विटामिन B12, एक है विटामिन D3, एक है कोलाजिन, ठीक है। मेरे पास है यह विटामिन B12 है मेरे पास, विटामिन D है मेरे पास, विटामिन D3, और एक है मेलाटोनिन, मेरे पास 3 है, ठीक है। मैंने 2 बाय नहीं किया है, तो कुछ इस तरीके से इसका पैकेजिंग देख सकते हो, लॉक लग जाता है ऐसे, मैग्नेटिक की तरह है। और इस पर 30 स्ट्रिप्स है, रोज़ अगर एक लेते हो तो 30 दिन में 30 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपको खाने के बाद लेना है, ठीक है, को टंग पे रखना है, उसके बाद मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और टेक 1 लेना है डेली बेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। मैं आपको अभी खोल के से है, आपको एक लेना है इनफ, आपको ऐसे करके रख देना। ये ऑरेंज फ्लेवर का है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, आप लोग ज़रूर ट्राई। आपको सबसे पहले हेल्दी डाइट अच्छी रखनी होगी, उसके बाद 3 से 4 लीटर पानी पीना होगा, उसके बाद आपको वर्कआउट करना होगा, तभी जाके आपको इतना सारा बेनिफिट मिलेगा। तो एच के वाइटल्स का डिजॉल्व विटामिन D फॉर स्ट्रोंगर बोन्स, बोन्स के लिए है ये, 100% ऑफ योर डेली विटामिन D रिक्वायरमेंट, पावर्ड बाय एडवांस माइक्रो टेक्नोलॉजी, नो एडेड शुगर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, ये 30 ऑरल थिन स्ट्रिप्स है, ये भी एकदम थिन है, और ये रसबेरी फ्लेवर है ये, और इसका MRP भी 599 है। जिन भी येलो कलर का है, देख सकते कुछ इस तरीके से है, और ये मैग्नेट लगा हुआ है इस पर, अच्छे से इस ऐसे लग जाता है,
ठीक है, ये बोन्स के लिए है, हेयर के लिए है, ठीक है। विटामिन D3 हेल्प्स एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बेटर बोन एंड जॉइंट हेल्थ, ठीक है। इस पे चार तरह का इंग्रेडिएंट है, पहला मैंने बता दिया। इस पे दूसरा है फॉलिक एसिड हेल्प्स रिड्यूस फैटिक एंड इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, मतलब थकान लगता है और जैसे हम लोग थक जाते हैं कोई भी काम करने से धूप से आने के बाद, तो उसके उसके लिए हेल्प्स करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है थकान को और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ठीक। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे हेल्प करता है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में, ठीक है। और विटामिन K2 भी है इस पर और हेल्प करता है स्ट्रेंथ करता है बोन्स को, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा इंग्रेडिएंट है और नेचुरली है, तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करना। और इसका भी ऐसे ही स्ट्रिप्स है लेकिन ये येलो पैकेजिंग का है, देख सकते हो, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से है, सभी एक ही तरह का है पैकेजिंग अंदर का। और इस पर लिखा हुआ है कैसे क्या कैसे यूज़ करना है, क्या बेनिफिट होगा, सब कुछ लिखा हुआ है इस पर, आप पढ़ सकते हो। स्ट्रिप्स कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो, और इसको यहाँ से पिल करना है, लिखा है यहाँ पे पिल करने के लिए, तो आप यहाँ से इसको पिल कर लेना ऐसे कुछ इस तरीके से, देख सकते कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो। और ये स्ट्रिप्स है पतला थिन का है, देख सकते एक दिन थिन पेपर के जैसा है, उसको आपको ऐसे टांग पे रखना है और उसके बाद 30 सेकेंड में आपका ये मेल्ट हो जाएगा। और गाइस ये मतलब फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस पर है रसबेरी और उससे पहले मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ ऑरेंज फ्लेवर का, बहुत ही अच्छा अच्छा फ्लेवर है। लेकिन आपको अच्छा हेल्दी डाइट लेना है, उसके बाद आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है और इसके बाद आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ये ट्राई करना तो और भी ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट मिले। लेकिन एक बात ज़रूर, जिनका कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कोई भी हार्ट डिसीज या कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसे ऐसे ट्राई मत करना, आप डॉक्टर के साथ समझ लेना, बात कर लेना, उसके बाद आप ये ट्राई करना। क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जिनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हेल्दी है, तो यही आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ, तो आप भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है शरीर में, मतलब अगर कोई भी बीमारी हो आपके अंदर में पहले से, तो आप डॉक्टर से बात करके उसके बाद इसे। ये है HK Vitals का डिजॉल्व मेलाटोनिन फॉर रेस्टफुल स्लीप, ये स्लीप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। मैं ना अच्छे से सो नहीं पाती हूँ, मेरा स्लीप अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि छोटा बेबी है, तो ये जब लेती हूँ मैं बहुत ही अच्छे से 8 आवर तक मैं बहुत ही अच्छे से सो जाती हूँ और कभी कभी टेंशन से भी मुझे नींद नहीं आती है। तो ये लेने के बाद 30 मिनट्स पहले लेती हूँ सोने से पहले, जब लेती हूँ उसके बाद 30 मिनट के बाद मुझे अपने आप ही नींद आ जाती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, मैं और भी ट्राई करूँगी ये, ठीक है। और ये है मेड फ्रॉम रियल एंड एफेक्टिव इंग्रेडिएंट, सभी रियल है और बाय एडवांस्ड माइक्रो टेक्नोलॉजी, सभी एक ही तरह का है, ठीक है। और ये रैपिड एक्शन, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, इस पर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है और ये तुरंत काम करता है, ठीक है। ये 30 स्ट्रिप्स है इस पर और मिंट फ्लेवर का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मिंट फ्लेवर। इस पर भी 4 इंग्रेडिएंट है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, मेलाटोनिन जो है इससे आपको स्लीप पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। और वैलेरियन रूट एक है इसका इंग्रेडिएंट, ठीक है, ये प्रमोट करता है सेंस ऑफ कॉल्मनेस को, ठीक है। और कैमोमाइल जो है ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है। और हिबिस्कस जो है ये एंजाइटी एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ठीक है।
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, आप ट्राई कर सकते हैं। इसका एमआरपी भी 599 का है, 24 तक मैं यूज़ करती हूँ। नहीं, 5 तरह का आता है तो मेरे पास अभी 3 है, 2 मैंने नहीं लिया है, ठीक है। इसका भी स्ट्रिप्स कुछ थिन ही है, ये भी 30 स्ट्रिप्स आता है इस पर, और इस पर एक बुकलेट दिया हुआ है जैसे कि कैसे क्या कुछ हेल्प करता है, किससे हेल्प करता है, कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। इस पे भी 30 स्ट्रिप है, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी दोपहर है, मैं ये रात को खाऊंगी। तो मैंने खाया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला है, तो आपको दिखा देती हूँ। दो मैंने आपको खा के दिखाया है, कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो। इसे आपको टांग में डालना है, उसके बाद ये 30 सेकेंड में अपने आप मेल्ट हो जाएगा, आपको कुछ चबाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि रात को खाऊंगी, नहीं तो अभी मुझे नींद आ जाएगी, तो अभी नहीं खाऊंगी ये। और गाइस, ये कोई मतलब हैबिट भी नहीं बनाता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई हैबिट नहीं होता। अगर नहीं भी खाओगे तो हैबिट नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा जो मैंने बताया है। तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लेना, और मैंने कूपन कोड भी दिया है तो उससे भी यूज़ कर लेना, ताकि आप लोगों को कुछ हद तक डिस्काउंट मिल सके। तो आप लोग ट्राई करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही मेरी वीडियो आने वाली वीडियो आप लोग को मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय।